बाजार में दिखी लगातार दूसरे दिन मजबूती। ऊपर स्तरों पर दबाव के बावजूद निफ्टी करीब 289 अंक चढ़कर 15,639 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में भी आया 934 अंकों से ज्यादा का उछाल। बैंक निफ्टी 507 अंक चढ़कर हुआ बंद। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम की अवधि 1 साल बढ़ाई। 11 एडिशनल टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट को भी किया शामिल। टाटा सन्स ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप में युवाओं को मौका देंगे। बोले इससे अनुशासित और ट्रेंड कर्मचारी मिलेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ। मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत। अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने सूरत के एक फाइव स्टार होटल में डाला डेरा। एकनाथ शिंदे ने 26 विधायकों के नाम किए जारी। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाया। शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायकों की बैठक। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दिल्ली का दौरा रद्द। सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक में शामिल होंगे। ठाकरे ने बुलाई है आपातकालीन बैठक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। एकनाथ शिंदे के फैसले के इंतजार में बीजेपी। गुजरात बीजेपी के नेता भी शिंदे के संपर्क में। विधान परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद महाराष्ट्र में मचा सियासी भूचाल। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग। 12 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। 12 में से 3 शिवसेना के विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा होंगे विपक्षी दलों के उम्मीदवार। शरद पवार के घर हुई बैठक में लिया गया फैसला। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर आज शाम एनडीए की बैठक। एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ चर्चा करेगी बीजेपी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी आज फिर 5वें दिन ईडी के सामने हुए पेश। 23 जून को सोनिया गांधी से भी ईडी अधिकारी करेंगे पूछताछ। पीएम नरेंद्र मोदी से आज मिलेंगे तीनों सेना प्रमुख। अग्निपथ योजना पर करेंगे चर्चा। अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान। अग्निपथ स्कीम देश के लिए जरूरी। आने वाले समय को देखते हुए लिया गया निर्णय। आज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने मैसूर में किया योगाभ्यास। 15,000 लोगों ने एक साथ किया योग। प्रधानमंत्री ने कहा पूरी दुनिया में बना योग का गॉड ऑफ रिंग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ। ऋषिकेश में पुष्कर धामी। भोपाल में शिवराज सिंह और दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया योग। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भी अलग अलग शहरों में किया अभ्यास। नोएडा में मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर बहाया पसीना। लद्दाख सिक्किम में हिमवीरों ने किया योग। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट में जवानों ने किया जल योग। पंजाब में करप्शन को लेकर एक्शन में मान सरकार। विजिलेंस ने चंडीगढ़ से रिश्वत लेने के आरोप में आईएएस संजय पोपली को किया गया गिरफ्तार। अग्निवीरों के लिए हरियाणा के सीएम का बड़ा ऐलान। कहा ग्रुप सी या हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को दी जाएगी नौकरी। बिहार में अग्निपथ पर हंगामे के अब तक 922 आरोपी गिरफ्तार। मामले में 161 एफआईआर दर्ज। बिहार पुलिस ने किया दावा पटना में हुई हिंसा के मामले में रडार पर है चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण देता है चाणक्य कोचिंग। पटना के गुरु रहमान इंस्टीट्यूट पर पुलिस का छापा। बिहार के मशहूर टीचर हैं गुरु रहमान।
बिहार के वैशाली में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन मामले में पुलिस का एक्शन, पथराव और हिंसा के आरोप में अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दानापुर हिंसा की साजिश मुजफ्फरपुर में रची गई, मैसेज भेजकर युवाओं को दानापुर में ट्रेन जलाने की बात कही गई। मैसेज में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी मारने की बात। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन मामले में अब तक 46 FIR दर्ज, 525 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती में भीम ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार से योजना वापस लेने की मांग की। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन थमने के बाद ईस्टर्न रेल सेंट्रल रेलवे का फैसला, रद्द की गई सभी ट्रेनों को वापस चलाने का फैसला। करीब 2000 ट्रेनों को प्रदर्शन के चलते किया गया था रद्द। वाराणसी में हिंसा करने वालों पर पुलिस का एक्शन, 27 प्रदर्शनकारियों से 13 लाख रुपए वसूलेगी वाराणसी पुलिस। हिंसक प्रदर्शनी की वजह से रेलवे को अब तक हुआ करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान, करीब 2000 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। महाराष्ट्र में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर रेलवे पुलिस के पास इनपुट रेलवे यार्ड की बढ़ाई गई सुरक्षा, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी किया गया रद्द। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रामपुर में रैली। घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सोपोर और पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इस साल मारे गए 32 विदेशियों समेत कुल 114 आतंकवादी। दिल्ली पुलिस का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने का दावा, मुख्य आरोपी प्रियव्रत उर्फ फौजी को किया गया गिरफ्तार। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, प्रियव्रत के साथ ही जगरूप रूपा मनप्रीत मन्नू को भी किया गया गिरफ्तार, स्पेशल सीपी ने दी जानकारी। मूसेवाला की हत्या के बाद लिए किए गए 8 बार रेकी फेल होने पर गोल्डी ने लगाई थी डांट, 9वीं कोशिश में कामयाब हुए अपराधी। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस खरड़ से मानसा शिफ्ट कर सकती है, मंगलवार को मानसा कोर्ट में हो सकती है लॉरेंस की पेशी। कश्मीरी पंडितों की समस्या पर एलजी मनोज सिन्हा ने की अहम बैठक, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर की चर्चा। जम्मू में जारी है पीएम पैकेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों ने कहा हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सिर्फ प्रमोशन देना काफी नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद का बयान, कहा अब ऐसा लगता है देश में अदालतों की कोई जरूरत नहीं, धार्मिक स्थलों से जुड़े कानून में बदलाव का परिणाम हो सकता है भयानक।